So next theorem based on Pythagorean triplet is all solutions of Pythagorean equation x square plus y square equal to z square satisfying the condition GCD of x, y, z 1, comma 2 divides x, x is greater than 0, y is greater than 0, z is greater than 0 are given by x is equal to 2rs, y is equal to r square minus s square and z is equal to r square plus s square for integers r greater than s greater than 0 such that GCD of r is 1 hona chahiye and R is congruent to S mod 2. Okay, ये statement है, कोई भी Pythagorean equation जिसका एक primitive solution हो, x, y, z का GCD 1 आने का मतलब, जो solution होगा, वो एक primitive solution होना चाहिए, x, y, z सब greater than 0 integers होते हैं, 2 divides x means x कैसा होगा अगर 2x को divide करता है तो even तो यहाँ पे x को आपको even लेके काम करना है तो उसका जो solution होगा उसका form ऐसा होना चाहिए ये हम लोग example में use करते हैं 2rs करने से आपका x का value मिल जाएगा y का वैल्यू r square minus s square से मिल जाता है एंड z का वैल्यू r square plus s square से मिल जाता है अब इसमें r और s में क्या कंडीशन है r should be greater than s जब भी आप r सेलेक्ट करोगे वो s से बड़ा होना चाहिए और दोनों वैल्यू r और s दोनों क्या होना चाहिए greater than 0 नंबर्स होने चाहिए r एंड s आपको इस तरह से सेलेक्ट करना है कि उसका GCD 1 हो एंड 2 divides r minus s इसका यही मतलब है ना r is congruent to s minus s mod 2 का मतलब two divides r minus s यही निकलेगा ना yes ma'am तो ये सारा conditions fulfill करते हुए आपको r and s find out करना है जो हम लोग example में find out करेंगे अभी इस theorem का proof हम लोग देखेंगे just कि ऐसा सॉल्यूशन क्यों एग्जिस्ट करता है सो इन प्रूफ अभी आपने एक थ्योरम पढ़ा था इससे जस्ट पहले उसका स्टेटमेंट क्या था इससे जस्ट पहले जो हमने थ्योरम पढ़ा था उसका प्रूफ स्टेटमेंट क्या है That means if x, y, z is a Pythagorean triplet, then either x or y is zero, is even. When? And the other is odd. तो एक even होगा तो दूसरा odd होगा. तो यहाँ पे जो statement दिया हुआ उसके हिसाब से x कैसा है? Even. Even है तो y कैसा होना चाहिए? Odd. Odd. Very good. तो हम लोग यहीं से start करेंगे. तो प्रूफ में लेट लेट
एक्स वाई जेड बी अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट देन स्टेटमेंट जो भी हमने थ्योरम पढ़ा उसके हिसाब से देन वन ऑफ एक्स एंड वाई इज इवन एंड द अदर इज ऑड ये स्टेटमेंट था आपके स्टेटमेंट के हिसाब से हियर एक्स इज इवन सो y must be odd, right? अब आप सोच के बताइए आपका पाइथागोरियन इक्वेशन है x square plus y square equal to z square. तो x अगर हम लोग एक इवन नंबर ले रहे हैं और y एक ऑड नंबर ले रहे हैं तो z कैसा आ रहा है odd. Odd या even? I'm odd. आपको दिख रहा है clear? Yes ma'am. और दूसरा condition आप यहाँ से भी check कर सकते हो कि ये Pythagorean triplet है तो GCD of x, y, z 1 होना चाहिए. तो x अगर even number ले रहे हैं, y odd है, z अगर आप even ले लोगे तो GCD 1 होने में कोई कंडीशन नहीं होगा. उसी से चेक करना होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से. तो z हमेशा ऑड आएगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना आ रहा है? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 13. 13 तो ऑड नंबर है, z स्क्वायर ऑड है तो z भी ऑड होगा. तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल से आप वेरीफाई कर सकते हो. तो हियर x इज इवन सो y इज ऑड एंड हेंस z इज ऑड. दिस इंप्लाइज वैल्यू सोचिए z माइनस y का एंड z प्लस y का, बोथ आर ऑड. तो जो डिफरेंस आएगा z माइनस y और z प्लस y वो कैसा आएगा? दो ऑड नंबर का डिफरेंस Even. दो ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो इवन आएगा. तो z माइनस y एंड z प्लस y बोथ आर इवन. दिस इंप्लाइज z माइनस y बाय 2 एंड z प्लस y बाय 2 आर इंटीजर्स. फ्रैक्शन नहीं आएगा? नो मैम. इवन है तो लीस्ट इवन नंबर इज 2, तो अगर 2 भी है तो डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा वैल्यू, जो कि इंटीजर है. और 2 से बड़ा भी कोई नंबर है, इवन नंबर है, उसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो एक इंटीजर आएगा. तो यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा अपने इक्वेशन को सिंपलीफाई करना है. तो हमारा इक्वेशन क्या है, पाइथागोरियन इक्वेशन? x स्क्वायर प्लस y इक्वल टू z स्क्वायर. उसको थोड़ा हम लोग अरेंज करेंगे. नाउ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर. दिस इंप्लाइज x स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. लिख सकते हैं? दोनों साइड 4 से डिवाइड कर सकते हैं ना, थोड़ा अरेंजमेंट कर रहे हैं. क्यों? ये वैल्यू लाने के लिए.
तो जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसको ब्रेक करेंगे तो आपको जेड माइनस वाई बाई टू मिलेगा और जेड प्लस वाई बाई टू मिलेगा। तो इससे सिमिलर करने के लिए इस टाइप से हमने ब्रेक किया है। एंड दिस कैन बी रिटन एज एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और राइट साइड को हम लोग लिख सकते हैं जेड माइनस वाई बाई टू एंड जेड प्लस वाई बाई टू, लिख सकते हैं। यस मैम, यस मैम। तो ये जो इक्वेशन है उसको इक्वेशन वन दे दीजिए, और इस तरह से जो हमने ब्रेक किया है उसको इक्वेशन टू दे देते हैं। नाउ लेट डी इज द जीसीडी ऑफ जेड माइनस वाई बाई टू एंड जेड प्लस वाई बाई टू। इसका कुछ जीसीडी आएगा, दोनों इंटीजर है, क्या इंटीजर अभी हमें पता नहीं है। जो भी इंटीजर है उसका जीसीडी अगर डी है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर डी जीसीडी है तो डी में क्या कंडीशन आता है मैम, डी डिवाइड्स जेड माइनस वाई बाई टू एंड डी डिवाइड्स जेड प्लस वाई बाई टू। डी जेड माइनस वाई बाई टू को भी डिवाइड करेगा और डी जेड प्लस वाई बाई टू को भी डिवाइड करेगा। अब दो नंबर्स को डिवाइड करता है तो उसके सम और डिफरेंस को डिवाइड करता है। यस मैम। तो दोनों को एक बार ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा, दोनों को ऐड कर दिए तो क्या मिल जाएगा, दैट इज डी डिवाइड Z. और एक बार दोनों का डिफरेंस निकालिए, एंड डी डिवाइड जेड माइनस वाई बाई टू माइनस जेड प्लस वाई बाई टू। सिंपलाइज डी डिवाइड क्या लिख सकते हैं मैम, y। अब आपके पास एक और कंडीशन है, बट gcd ऑफ x y z क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, राइट। और आपको एक d मिल रहा है जो x y को भी डिवाइड करता है और z को भी डिवाइड करता है, तो d क्या होना चाहिए, x तो इवन है, y और z ऑड है, तो दो ऑड नंबर का GCD भी 1 हो रहा है, दैट मींस यहाँ से y एंड z का GCD भी 1 होना चाहिए, एंड दैट इज d का वैल्यू भी 1 होना चाहिए। 1 से बड़ा कोई नंबर रहेगा तो आपका xyz का GCD 1 नहीं आएगा। अब हम लोग R एंड S में इसको कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। तो लेट अस अज्यूम दैट लेट Z प्लस Y बाय 2 जो नंबर है दैट इज इक्वल टू R स्क्वायर एंड कोई नंबर दे दीजिए इसको, 2 तक दिया था ना, एंड Z माइनस Y बाय 2 को मान लेते हैं S स्क्वायर, वेयर जो जो आर और एस में कंडीशन है वो फुलफिल होना चाहिए, तो वो कंडीशन आप लिख दीजिए। फॉर सम इंटीजर्स आर एंड एस, तो अभी तक हमने जितना भी काम किया है उसके हिसाब से z प्लस y बाई टू और z माइनस y बाई टू इंटीजर्स है,
जेड माइनस वाई जेड प्लस वाई इवन नंबर्स था एंड वाई और जेड का जीसीडी आपका 1 आ रहा है. डी डिवाइड्स जेड माइनस जी डी इज द जीसीडी ऑफ जेड माइनस वाई एंड जेड प्लस वाई हमने लिया था एंड डी का वैल्यू भी 1 आने का मतलब जीसीडी ऑफ जेड प्लस वाई बाई टू एंड जेड माइनस वाई बाई टू भी क्या है 1 है. 1 दैट मीन्स सब इन सारे बातों से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं. What about the GCD of R and S? 1 ही आएगा. और Z minus Y by 2 आप कर रहे हो, Z plus Y by 2 कर रहे हो, तो Z plus Y by 2 से आपको R square मिल रहा है और Z minus Y by 2 से S square मिल रहा है. तो कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा? R is greater than S. ये जो कंडीशन आपको दिया हुआ था वो भी ट्रू है. और थोड़ा और समझिएगा तो R is congruent to S mod 2, ये भी करेक्ट होगा. 2 divides R minus S, क्योंकि ये दोनों क्या है, इवन नंबर्स है ना, इंटीजर्स है, तो 2 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो. R is congruent to S mod 2. एग्जाम्पल करोगे तो आपको क्लियर दिखेगा कि क्या क्या आर एस आता है और ये तीनों कंडीशंस को फुलफिल करता है. नाउ आपका इक्वेशन 2 क्या था? इक्वेशन 2 हमने क्या लिया था? X माइनस 2 का होल स्क्वायर X by 2 ना इज इक्वल टू Z माइनस Y by 2 इंटू जेड प्लस वाई बाई टू. ठीक है, इसमें जेड माइनस वाई बाई टू का वैल्यू हमने क्या लिया है? आर स्क्वायर. दिस इज आर स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर, वही हो जाएगा ना. तो x का वैल्यू यहां से निकालिए, क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू x बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस आर एस. दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस टू आर एस. लेकिन x आपका क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, r भी ग्रेटर देन जीरो है, s भी ग्रेटर देन जीरो है. तो आप हम लोग x का वैल्यू क्या लिखेंगे, नेगेटिव हो सकता है? नो मैम, x इज इक्वल टू 2 आर एस. z का वैल्यू निकाल सकते हैं, जेड कितना आएगा और वाई कितना आएगा, कहां से निकलेगा? शायद 3 और 4 नाम दिया है मैंने, देखिए तो एडिंग इक्वेशंस 3 और 4 क्या मिल रहा है. थ्री फोर ही नाम दिया है ना? यस मैम. तो 3 4 को अगर ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा? जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर. जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर. और वाई का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, किसको किसको सब्ट्रैक्ट करने से?
मैम इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 3 माइनस 4 ऐसे लिख दीजिए डायरेक्ट y इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस s स्क्वायर अब z आपका एक ऑड नंबर है ये आपने निकाला है और z को आप r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर के फॉर्म में लिख पा रहे हो तो r और s कैसा नंबर्स होगा क्या आप गेस कर सकते हैं क्या दोनों ऑड होगा या दोनों इवन होगा या एक ऑड होगा एक इवन होगा थोड़ा सोचिए बताइए दो ऑड नंबर का स्क्वायर करके ऐड कीजिए आंसर क्या आ रहा है मैम इवन इवन तो यानी दोनों ऑड नहीं होना चाहिए दो इवन नंबर का स्क्वायर कीजिए इवन आएगा तब इवन आएगा तब ऑड नहीं आ रहा है जेड ऑड आना चाहिए यानी आर स्क्वायर और एस स्क्वायर के बारे में हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं मैम एक ऑड होगा और एक इवन इवन तो ये सब क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना है ठीक है ये सब न्यूमेरिकल में हेल्प होगा तो यहाँ पे सीन जेड इज ऑड वन ऑफ आर एंड एस इज इवन एंड द अदर इज ऑड एक को इवन लेंगे हम लोग दूसरे को ऑड लेंगे अब इस थ्योरम के हम लोग कन्वर्स में भी जाएंगे कि क्या ये सॉल्यूशन लेने से आपका एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा है तो इसका कन्वर्स भी प्रूफ किया हुआ है तो कन्वर्स में हमने मान लिया लेट आर एंड एस आर इंटीजर सच दैट ये सारा कंडीशन होल्ड करेगा आपके पास लिखा हुआ है इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ तो कन्वर्सली हम लोग अज्यूम कर लेंगे लेट आर एंड एस बी द इंटीजर सच दैट एक्स इज इक्वल टू टू आर एस y is equal to r square minus s square and z is equal to r square plus s square जहाँ पे r and s का GCD 1 है and r is greater than s is greater than 0 तो इस केस में x square plus y square का वैल्यू क्या आ रहा है अगर हम लोग ये सारा कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो x square plus y square का वैल्यू कितना आ जाएगा देखिए तो सिंप्लीफाई करके x के बदले 2rs डालना है और y के बदले ये डालना है दोनों को स्क्वायर करना है दैट मींस 2rs स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मींस r स्क्वायर माइनस s स्क्वायर का होल स्क्वायर सिंपलीफाई करके बताइए क्या आ रहा है मैम r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर का होल स्क्वायर r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर का होल स्क्वायर यस It must be r square plus s square का whole square and r square plus s square क्या है आपके पास? मैम z z square तो ये एक condition है अगर हम लोग x को 2rs y को r square minus s square और z को r square plus s square ले रहे हैं तो आपका एक Pythagorean equation बन जा रहा है एक काम ये हो गया दूसरा अब आपको दिखाना है कि इसका GCD 1 होगा ठीक है तो अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा तो अगर इस टाइप से ले रहे हैं तो आपको दिखाना है कि जीसीडी 1 हो जाएगा तो इफ मान लेते हैं पहले जीसीडी ऑफ एक्स वाई जेड इज सम अदर नंबर जी ठीक है 1 है कि नहीं अभी हमें नहीं पता लोग वेरीफाई करेंगे यहां से तो लेट एक्स वाई जेड का जो जीसीडी है वो जी है तो जी में क्या कंडीशन आएगा g divides x, g divides y, g divides z, g x को divide करता है, that means g divides 2rs, g divides 2rs, g divides y means r square minus s square and g divides z means g divides r square plus s square
पहले लास्ट टू को यूज करेंगे हम लोग, इस दोनों को, दो नंबर को डिवाइड करता है तो उसके सम और डिफरेंस को डिवाइड करेगा, तो एक बार दोनों को ऐड करेंगे, ऑल्सो जी डिवाइड्स आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, यहां से क्या मिलेगा 2r स्क्वायर, जी डिवाइड्स 2r स्क्वायर 2r स्क्वायर एंड दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, g डिवाइड्स 2s स्क्वायर 2r स्क्वायर है ना, 2s स्क्वायर आया, r स्क्वायर नहीं आया, r तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ माइनस लिख दिया है, यहाँ प्लस होगा, नेगेटिव साइन आप ओमिट कर सकते हो क्योंकि डिविजिबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है नेगेटिव साइन होने से, तो यहाँ से मिल गया आपको दिस इंप्लाइज g डिवाइड्स 2rs g divides 2 r square and g divides 2 s square. अब हम लोग मानते हैं if p is a prime divisor of g then p also divides 2 r s 2 r square एंड 2s स्क्वायर, ऐसे भी एक साथ लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो p अगर g का डिवाइजर है और g उन सबको डिवाइड कर रहा है तो p भी 2rs 2r स्क्वायर एंड 2s स्क्वायर को डिवाइड करना चाहिए, ठीक है. अब p डिवाइड्स 2r स्क्वायर है तो p अगर प्राइम है तो यूक्लिड्स थ्योरम का स्टेटमेंट याद है आपको, p डिवाइड्स 2r स्क्वायर, अगर इसमें यूक्लिड्स थ्योरम यूज करेंगे p प्राइम है तो क्या हो जाएगा, ये लिखते हैं ना, इधर 2 को डिवाइड करेगा या r स्क्वायर को डिवाइड करेगा, कोई प्रॉब्लम, क्लियर है यहां तक? यस मैम, लास्ट स्टेप नहीं समझ में आया, ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है या डायरेक्ट इसको लिखा जा सकता है, पी इज अ प्राइम डिवाइजर ऑफ जी, अगर पी जी को डिवाइड कर रहा है तो क्या पी टू आर एस को डिवाइड करेगा, यस मैम, वही चीज लिखा हुआ है, तो एक साथ मैंने लिख दिया कॉमा डाल के, नहीं तो आपको ऐसे लिखना होगा p डिवाइड्स 2rs p डिवाइड्स 2r स्क्वायर एंड p डिवाइड्स 2s स्क्वायर, अब p अगर 2r स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे मैंने यूक्लिड्स थ्योरम लगाया है, बाद में याद करने के लिए यहाँ पे लिख सकते हो अप्लाइंग यूक्लिड्स थ्योरम, तो आइदर p 2 को डिवाइड करना चाहिए या p r स्क्वायर को डिवाइड करना चाहिए, अब बताइए क्या p 2 को डिवाइड कर सकता है, क्यों क्यों नहीं कर सकता है, ये तो करेक्ट है बट रीजन क्या है इसका, y और odd है, याद रखना होगा आपको r एंड s आपका y और z पे डिपेंड कर रहा है और y और z दोनों odd नंबर्स है, ठीक है, और r और s में भी आपने कहा कि एक इवन है एक odd है,
दोनों ऑड या दोनों इवन नहीं हो सकता, तो दोनों ऑड नंबर्स है इसीलिए हम लोग p इक्वल टू टू नहीं लेंगे बिकॉज y और z आर ऑड। तो ये कंट्राडिक्शन आ गया। कंट्राडिक्शन क्यों आया? Because p does not divides to, तो क्या हो जाएगा? This implies p divides r square, या p अगर r square को divide करता है तो p divides r भी होगा। किसी number के square को divide करता है तो उस number को भी divide करना चाहिए, prime number है इसीलिए। उसी तरह अगर हम लोग इस पार्ट को लेंगे सेम रीजनिंग से, p डिवाइड्स 2 एंड p डिवाइड्स s स्क्वायर, यहां से आपको मिल जाएगा p डिवाइड्स s। अब क्या p r और s दोनों को डिवाइड कर सकता है? या पी आर को भी डिवाइड करेगा, एस को भी डिवाइड करेगा, ऐसा पॉसिबल है? नो मैम। क्यों? मैम आर और एस का जीसीडी वन है। यस, ये कंट्राडिक्शन आ रहा है बिकॉज़ जीसीडी ऑफ आर एस इज वन एंड सो जो हमने जीसीडी जी लिया था एक्स वाई जेड का, तो वो जी का वैल्यू अभी आपने मान लिया कि पी इज अ प्राइम डिवाइजर ऑफ जी, तो कोई ऐसा प्राइम नंबर आपको नहीं मिल रहा है, यानी जी का वैल्यू क्या होना चाहिए? वन। ठीक है, अगर हमने जी का और कोई फैक्टर मानने लेकर स्टार्ट किया तो वी हैव अ कंट्राडिक्शन, क्योंकि ऑड है इसलिए हमने ऑड वैल्यूज को प्रेफर किया है, उसमें भी प्राइम वैल्यू ले रहे हैं क्योंकि प्राइम से रिलेटेड हमारे पास एक थ्योरम है। तो आपका जीसीडी वन आना चाहिए, वन के लिए हमने इस तरह से प्रोसीड किया कि अगर हम लोग एक प्राइम डिवाइजर ले रहे हैं तो एक कंट्राडिक्शन आ रहा है, यानी कोई भी एक प्राइम डिवाइजर नहीं मिलेगा तो एक्स वाई जेड का जीसीडी वन होना चाहिए, यानी जी का वैल्यू वन होना चाहिए। तो दैट इज अगर जीसीडी वन हो गया तो उसका मतलब दैट इज एक्स वाई जेड इज अ, इस ब्रैकेट को यूज नहीं करते हैं, इस ब्रैकेट को यूज करते हैं, प्रिमिटिव सॉल्यूशन और इक्वेशन वन ही दिया था ना पाइथागोरियन इक्वेशन को? यस मैम। दिस इज अ प्रिमिटिव सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन। इस तरह से ये सारा कंडीशन जो भी इस थ्योरम में यूज हुआ है उसको आपको याद रखना है, फिर से इसको एक बार लिखिए, और जहां जहां आपको कंडीशंस दिख रहा है, एक्स वाई जेड का कंडीशन तो आपको पता ही है, हम लोग पहले भी यूज किए हुए हैं, R एंड S का जितना भी कंडीशन है उसको एक साथ अलग से लिखिए, कंडीशन को रिकॉल कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका न्यूमेरिकल देखेंगे।